तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे मुख्तार का बर्थडे भी है, 20 मई है आज हमारे मुख्तार का बर्थडे भी है। वैसे तो मैंने जो कल वीडियो अपलोड की थी उसमें आप लोगों को बताई दिया था, तो जिस जिसको पता चलता है सबने मुख्तार को अपनी दुआओं से नवाजा, विश भी किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि 20 तारीख को ही, मतलब कल के दिन ही, मेरे माशाल्लाह से कल के दिन ही, हाँ 20 तारीख आज ही है, तो आज माशाल्लाह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं। मैंने क्या कहें, सुबह जब देखा तो मेरे 995 हो रहे थे, उसके बाद देखा मैंने 998 हो गए, फिर 5 हो गए, इसी तरह घटते बढ़ते बढ़ते थोड़ी देर में जब जोहा स्कूल से आई तो मैंने जोहा से कहा, जोहा मैंने कहा देखना ज़रा मोबाइल में क्या टाइम हो रहा, तो उसने जैसे टाइम देखा तो उसने मुझे एकदम देखते बताया। वो एकदम उसमें यूट्यूब में एकदम गई अंदर नेट वगैरह खोल के, तो उसने कहा मम्मा आपके 1002 सब्सक्राइबर हो गए। मैंने कहा पागल है, तो मैंने कहा मुझे पता था, वो ऐसे ही बोली। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैंने देखा था 998 हो रहा है। कहने लगे नहीं मम्मा 1004 हो गया। मैंने कहा अच्छा, मैं बर्तन धो रही थी, राजू गन्ने का जूस लेके आए थे, बल्कि वही निकाल रही थी मैं ग्लासेस के अंदर, राजू कमरे में थे, नींबू पानी, अच्छा शिकंजी थी वो, जब भी मेरा ब्लड प्रेशर उसे पी के हाई हो गया। तो जोहा ने जैसे ही मुझे दिखाया, मतलब मुझे ऐसा अजीब सा हो गया, मैं इतनी रोई बहुत ही। जोहा मतलब मैं रोना नहीं चाह रही लेकिन मेरे आंसू इस तरह निकल रहा है, मतलब जैसे मैंने कोई मेरा रिजल्ट आ गया हो, मतलब पता नहीं, बस इतनी खुशी हुई मुझे, कहे मम्मा क्या हुआ, मतलब जोहा भी इमोशनल सी हो गई, अजीब सी हो गई। जबकि यही था कि मुझे कोई वो नहीं था कि मैं 1000 मेरे सब्सक्राइबर होंगे, इतना बड़ा मतलब चैनल मेरा वो हो जाएगा। मुझे तो 50 सब्सक्राइबर जब हुए तो उस पर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि भाई लोग हमें पसंद कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि हम भी किसी को जब सब्सक्राइब करते हैं, जब हमें उसकी सारी वीडियो पसंद आए, उसका नेचर पसंद आए, तो मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब बस अपने आप मेरे इतने आंसू निकले, और मैं रोकना चाह रही कि रुक जाए मेरे आंसू, लेकिन रुक नहीं रही, और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट किया, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी, अभी 5 ही महीने हुए शायद, मैंने 31 अक्टूबर को, या हाँ 31 अक्टूबर को एक अपनी शॉर्ट वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने 2-3 वीडियो अपनी कुकिंग की डाली, फिर धीरे धीरे मैंने ब्लॉगिंग की वीडियो डालनी शुरू कर दी, और होते होते माशाल्लाह मेरे इतने ज़्यादा इतनी जल्दी सब्सक्राइबर हो गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये है, मैंने अभी तक घर में भी, मतलब जैसे मेरे देवर है देवरानी, उन तक को भी नहीं पता था कि मैंने कोई चैनल बनाया, उन्हें भी बाहर से ही कोई बताता था कि आपकी भाभी ने इस तरह चैनल बना रखा, तो उन्हें भी जब पता चला, मतलब घर तक में मैंने सब्सक्राइबर अपने बनाए नहीं थे, चुप हो जाइए, तो 200 सब्सक्राइबर के करीब तो मैंने लोगों से कह के कि तुम सब्सक्राइब कर लो, तुम कर लो, लेकिन उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाते हैं, मुख्तार मेरा गला घुट जाएगा, उनका मेरे नाम तो याद नहीं आ रहा, क्या नाम है उनका, तो खैर वो बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, शाही पनीर तो उनकी मैंने जब वीडियो देखी, तो मैं उनकी वीडियो देखती रहती थी, तो उन्होंने बताया कि उनके 100 सब्सक्राइबर 1 महीने के अंदर हुए थे, और फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ गए, अब तो बहुत ज़्यादा, कुछ यूट्यूब गुरु के नाम से है कुछ उनकी वीडियो, देखो अगर मुझे याद आया तो मैं इसमें बता दूंगी आपको। तो खैर उन्होंने बताया कि तुम बिल्कुल भी कह के अपने सब्सक्राइबर मत कराओ कि तुम कर लो, उससे क्या होगा, वो सब्सक्राइब तो आपके कहने पे कर लेंगे लेकिन आपका वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा, वो आपको वीडियो वॉच नहीं करेंगे, देखेंगे बस आपके कहने से उन्होंने कर तो लिया लेकिन आपकी वीडियो को वॉच नहीं करेंगे वो। तो मैंने ये हुआ, 200 तो मैंने करा लिए, इतने 1000 सब्सक्राइबर मैं कहाँ से लाती, किस किस को कहती, बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें बताते हुए शर्म भी आई थी कि भाई हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि लोगों को तो ये लगता है कि क्या व्लॉगिंग है, ये खाना बना लिया मैंने, रोटी बना ली, मैं नहा ली, बहुत से लोगों ने तो मेरी शुरू मजाक भी बहुत उड़ाई, लेकिन यही है, ना ही किसी ने सपोर्ट किया और ना ही किसी ने मना किया कि भाई तुम ये क्या कर रहे, क्या है, बस ये था, हंसी मजाक में चलता रहा। और आज माशाल्लाह से मेरे 1000 सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा, मतलब 1005 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और माशाल्लाह से आज मेरे बच्चे का बर्थडे भी है, तो दो खुशी, जन्मदिन भी है, तो दो खुशियाँ मुझे आज एक साथ मिली, और मेरा बहुत ज़्यादा मन हो रहा, आप लोग मेरी बात तो से बोर हो गए लेकिन बहुत ज़्यादा मन हो रहा कि मैं ऐसे ही बातें करती रहूँ। तो खैर खाने, अब आते हैं खाने की तरफ, खाने में मैंने राजू गोश्त लेके आए थे, मैं सोच रही थी लौकी गोश्त बनाऊँगी, तो मैंने वो बनाया है, कौरमा बना लिया भुना सा, क्योंकि गर्मी हो रही, किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, किचन वगैरह सफाई कर ली है। और अब हमारा बर्थडे का प्लान ये है कि हमारा इरादा है कि हम मुख्तार जोहा के बर्थडे में भी हम कहीं घूमने गए थे जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो मुख्तार के बर्थडे में भी ये हो रहा कि जोहा की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी 25 तारीख से, तो हम कहीं घूमने चले जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि हम हमेशा ही, मतलब जब भी बच्चों का बर्थडे होते हैं घूमने चले जाते हैं, लेकिन मुख्तार पहली बार ही घूमने जाएगा, क्योंकि अब ये बड़े हो गए ना माशाल्लाह से, चल फिर सकते हैं,
छोटे बच्चे को तो घूमने ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता कि गोदों में लियो लियो फिर रहे, अपने आप भी इंजॉय नहीं कर सकते। तो खैर अब हमारा इरादा हो रहा है कि हम दो तीन जगह ऋषिकेश, देहरादून और मसूरी वगैरह कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, तो इंशाल्लाह वहाँ के ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेंगे। और आज हम मुख्तार का केक काटेंगे और रात का खाना वगैरह बाहर खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्दे का बहुत ज़्यादा हिसाब है, मतलब यहाँ इस तरह के होटल वगैरह कुछ है नहीं जो हम जाके कहीं पार्टी वगैरह सेलिब्रेट करें। तो लेकिन एक जगह है जहाँ से जब पिज़्ज़ा लाए थे वहाँ पे भी मैंने एक तो शायद वीडियो बनाई भी नहीं, उस वाले में नहीं बनाई, उस जब भी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी, तो जहाँ हमने पिज़्ज़ा वगैरह हम खाते हैं वहाँ लेडीज़ का भी है और बहुत अच्छा है, आइसक्रीम वगैरह भी मिलती है और पॉपकॉर्न वगैरह, मतलब खैर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं उनके यहाँ। तो जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। राजू बस आने वाले हैं, मैं मुख्तार को नहीं ला देती हूँ, जोहर सो रही, खुद भी तैयार हो जाऊँ। तो इंशाल्लाह जैसा भी होगा आपके साथ मुख्तार का बर्थडे शेयर करेंगे। और मुख्तार का बर्थडे की पार्टी हम इसीलिए दे रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। तो चलिए बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब मैं कर लेती हूँ अपना कुछ काम, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, कर दीजिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय। एक बार कह दीजिए थैंक यू, आपने मेरी मम्मा के 1000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट, थैंक यू, आपने मेरी मम्मा के लाइक सब्सक्राइब कम्प्लीट कर दिया। और हाँ प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक भी कर दीजिए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए, तो मुख्तार अभी तक सो रहा और राजू को फोन आया था कि तुम लोग तैयार हो जाओ। मैंने ये वाला कॉटन का सिंपल सूट पहन लिया, क्योंकि अगर चादर ओढ़ के गई मैं तो फिर मैं दूसरा सूट पहन लूंगी और अगर नहीं गई तो फिर इसी सूट में बुरखा ओढ़ के जाऊंगी। तो चलिए बस हल्का सा ही मेकअप किया मैंने, क्रीम लगा ली, फेस पाउडर, हल्का सा ब्लश और हल्का सा आईलाइनर, लिपस्टिक। ये कौन चमचा बोल रहा है? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस, कर दीजिए। जोह अभी तैयार हो गई लेकिन मुख्तार अभी तक सो रहा है, सो रहे हैं। जहाँ मैं पहले आई थी ना, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा नहीं यहाँ चलो, और हम रिक्शा से ही आए थे क्योंकि बाइक पे तो आ नहीं पाते, तो अब चलते चलते आ रहे, आ ही चुके बस। मतलब यहाँ पे अच्छे ऑप्शन हैं, आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज़ें, देखते हैं अब होगा या नहीं। नई चीज़ कौन नहीं लिया था हमने पहले? तुम क्या हो तुझे तुम इससे बोल? हाय मम्मा मुझे तो दिखा दो, मैं पिज़्ज़ा लेना। मुख्तार तो पिज़्ज़ा ही खाएगा। पिज़्ज़ा क्या है? मैं देख रही थी तो आप देख तो जहाँ तुम लेके
भैया सुहाने व्हाइट सॉस पास छोड़ के गए भी यही तो है मुख्तार का केक भी हमने ऑर्डर कर दिया, केक भी आ रहा है मुख्तार का। और हम बुड्ढा बुड्ढी अभी ये चीज़ें पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत हमने टेस्ट करके देख लिया सुहा का वाइट सॉस पास्ता। हम खाएंगे चिकन। ओ भाई एक्शन बॉय चल भैया शायद दुकान बंद हो गई हो, कहते जब आप आए थे बता दी थी। हाँ पिज्जा एक और नहीं नहीं है केक भी आ चुका है रेड कलर का। ये मेरा 1K सब्सक्राइबर का भी है। नहीं नहीं भाई 1K सब्सक्राइबर का राजू ने कहा कि वो दोबारा कटेगा, हम घूमने जाएंगे ना वहाँ काटेंगे इंशाल्लाह, है ना। मुख्तारी जल्दी पिज्जा फिनिश कीजिए आपका केक। बर्थडे बॉय थक गया छक गया है थका नहीं छक गया। मुख्तार को हमने बस ऐसा कर रखा कि जैसे इसका बर्थडे नहीं है, क्योंकि मुख्तार से वादा कर रखा था ना कि इसे कहीं घुमाने लेके जाएंगे। आंखों में ना गिर जाए मम्मा पापा टेस्ट कराए, पापा को अच्छा लगता है। मुक्ता वाला ये अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ खाना वगैरह कुछ नहीं है ना, खाना नहीं है बस वैसे ही स्नैक्स वगैरह है। तो राजू और मैं हमारा तो खाने से ही मतलब बड़ों का तो खाने से ही पेट भरता है, तो चिकन वगैरह देखते हैं। वैसे यहाँ की शॉप का बहुत मुश्किल है, शॉप यहाँ पर बहुत देर से खुल मतलब जल्दी बंद हो जाती है, तो देखते हैं क्या मिलता है खाने को क्या नहीं। तो चलिए देखो कितनी भीड़ हो रही, इसलिए हम वहाँ नहीं खा रहे, यहीं लेके आ रहे राजू हमारे लिए। यो कह रहे शन्नू भैया आज फिर ले जाते हैं कुत्ता, टोकरे में थे बन। चलो पानी दिन चलना।
दिस इज चिकन। अभी नहीं पता, मुझे पता तो नहीं था ना किस तरह से है हिसाब। लो तुम ये दही निकालो, मैं निकालो सारी प्याज। नहीं धोना क्या इसमें? इसमें निकाल लो। हाँ नहीं पड़ी सी, मैं निकाल लूँ इसमें। यहाँ तो दो ले नहीं, नहीं। तीन ऐसे नहीं बोलते। ये बच गया। कोई नहीं, वहाँ उनको भी तो दिए थे ना भैया वगैरह को जो थे वहाँ पे। अच्छा जो वो थे तो उनको भी हमने थोड़ा सा केक वहीं उनके सामने रख दिया था कि भैया ले लीजिए आप। वैसे तो मना ही कर रहे थे कि नहीं नहीं रहन दो, लेकिन फिर भी मुख्तार ने उन्हें हाथ पकड़ के ले गया, क्योंकि हम वहाँ कई बार जा चुके ना, तो मुख्तार तो माशाल्लाह हर एक से एकदम ही खुल जाता है। मुख्तार भाई, मुख्तार की वजह से हमें बहुत अच्छी पार्टी मिली। वो हंस रहे बैठे हुए है, बिली मेरी वजह। भाई दोस्ती अगर लुट गए और क्या क्या। अभी मेरी उसकी पार्टी बाकी है, देखो हमारी जो हाँ बना के लाई अपने बाबा के लिए चाय, और मेरी चाय ये रखी। वो चाय बहुत अच्छी बनाती है। तो खैर क्या कहना चाह रही थी मैं, ये कहना चाह रही थी कि और मेरे 1000 सब्सक्राइबर की पार्टी अभी बाकी है, वो शायद मैं ही दूँ इनको अपनी तरफ से। है राजू मैं दूंगी ट्रीट तुम्हारी तरफ से। और तो 1000 सब्सक्राइबर की पार्टी नहीं भाई, 1000 सब्सक्राइबर्स की पार्टी जो है वो मैं सबको जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको बुला कर दूंगी, चाहे घर में ही दूँ चाहे कहीं ले जा कर दूँ। तो इंशाल्लाह सबके साथ वो पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए इस व्लॉग का एंड यही करती हूँ, इंशाल्लाह आपसे फिर होगी मुलाकात। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।